डियर ऑल डॉक्टर्स, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच, कोरोना में लॉकडाउन में आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन आप डॉक्टर ही डॉक्टरों की इमेज खराब कर रहे हैं। कोरोना में मैंने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे हैं, कई ऐसे जानकार लोगों से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अनसन बिल बना रहे हैं, कुछ भी बिल बना रहे हैं, कई लोगों के लाखों के बिल बने हैं, कई लोगों के हज़ारों के बिल बने हैं। लॉकडाउन के दरमियान काम हम किसी का चला नहीं है, गरीब आदमी घबराया हुआ डरा हुआ है, वो कोरोना की जांच करना नहीं चाहता। हर किसी के अंदर 90% हिंदुस्तानियों के अंदर कोरोना निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन डर के मारे जा नहीं रहा है, ये सोच के कि यार कहीं ऐसा ना हो कि लंबा बिल बना दिया जाए। भ्रांतियाँ फैली हुई है और भ्रांतियाँ जो है, देखिए कहीं आग लग जाए कहीं पर तो धुआं उठता है, फैल जाती है खबर, रिस्क हो जाए अगर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बात में सच्चाई होगी कि लोग डॉक्टर लोग बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं, बॉडी के पार्ट्स निकाल के घर वालों को डरा देते हैं कि भैया इसको हाथ मत लगाना वरना तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा, तो दूर से ही घर वाले भी अंतिम दर्शन करके उसको कर देते हैं। फिर ये सब चीज़ें, फिर अब बच्चन साहब एडमिट हुए हैं तो अभी उनका लंबा बिल बनेगा, बड़ा बिल बनेगा, तो आदमी घबरा जाएगा कि यार इतना बड़ा बिल हम तो नहीं दे पाएंगे, अगर उनका इतना बिल बना तो हमको उसका चाराना भी नहीं दे पाएंगे, और अगर उनको फ्री में इलाज कर दिया जाता तो बाकी लोग सोचेंगे तो हमारा फ्री में क्यों नहीं किया। तो कुल मिला के जो है आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी डॉक्टर के लिए नहीं कहूँगा लेकिन 90% डॉक्टर के लिए कहूँगा कि भैया आप को भगवान ने भगवान का दर्जा दिया जाता है, शैतानों जैसा काम मत करो। सफ़ेद कपड़े पहनते हो तो वाइट कलर बनो, चाइना के एजेंट मत बनो, वाइट कॉलर रहो और चाइनीज कॉलर बनने की कोशिश मत करो। तो सबकी जान बचाओ ये आपका कर्तव्य है, जी हाँ एहसान नहीं है, कर्तव्य है आपका। चुना ही क्यों आपने ये क्षेत्र? आप अगर बोल रहे कि नहीं 24/7 हम सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे होंगे, आपने खुद चुना ये क्षेत्र और जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र से आपको प्यार होना चाहिए, वो आपके लिए प्राउड होना चाहिए और हमें भी आप पे प्राउड है। तो अच्छे से काम कीजिए, गरीबों को सबको कोरोना होने वाला है, हो सकता है जो भी है, लेकिन डर के मारे, कोरोना के डर के मारे पेशेंट के साथ में और गरीबों के साथ में अन्याय मत कीजिए और उसको इतना मत डराइए। कोरोना सबको होकर भी ठीक भी हो गया, बच्चन साहब को ठीक हो गया ना, फला को भी ठीक हो गया, कनिका कपूर को भी ठीक हो गया, तो VIPs वगैरह ठीक हो रहे हैं ना, तो गरीब भी ठीक हो जाएंगे, काय को यार ये सब चीज़ें कर रहे हो। अच्छा काम कीजिए, मैं मानता हूँ कि आप लोग डॉक्टर लोग हो, सुबह उठते भगवान से प्रार्थना करते होंगे हे भगवान आज मेरा धंधा अच्छा चलाना, इसका मतलब कि दुनिया में जितनी है नरनारी उतनी चाहते आप बीमारी, क्योंकि सच्चाई तो यही है ना भैया, डॉक्टर तो बने ही इसलिए है ना कि इलाज कर सके, और इलाज किसका करेंगे, बीमार ज़्यादा पड़ेंगे तो बीमार आपका इलाज होगा। तो ये चीज़ आपने लॉकडाउन में बड़ी अच्छी परछाई थी कि आप लोग सब लोग मिलकर लोगों की सेवा कर रहे थे निस्वार्थ, लेकिन अब है स्वार्थ, अब आपके प्रोफेशन के लोग ही आपके सफ़ेद कपड़े पे ब्लैक धब्बा बने हुए हैं। तो प्लीज़ कोरोना के नाम पर गरीबों को तंग करो ना, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, और उनको प्रॉब्लम में डालोगे तो फिर आप धरती के भगवान हो, ऊपर एक भगवान और भी है जो हम सब का भगवान है, फिर वो आपकी खैर खबर लेगा। तो डॉक्टरों जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको चरण स्पर्श प्रणाम, और जो बुरा काम कर रहे हैं सुधर जाओ, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। डॉक्टर हो मरीज मत बनो, बाकी अपना ख्याल रखिए, ठीक है। कोरोना में लूटना सिर्फ चाइना का कर्तव्य है, वो कर रहा है और उसको हम लोग सबक सिखा रहे हैं, आप चाइनीज एजेंट ना बनो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। We'll be right back.
Radio Jungle.